हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्नैप के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा। देखते हैं, हम इसका नाप देते हैं। एक कॉपी पेन लेके इसका नाप लेके देखते जाएंगे हम। देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई है 32 इंच। 2 इंच मुझे दो इंच मुझे नीचा करने के लिए बोला गया है, तो इसकी लेंथ लेंगे हम 34 इंच। हमारा तीरा है 12 इंच। चेस्ट है हमारी 16 इंच। कमर है हमारी 14 इंच। और हिप है हमारे 17 इंच। और दामन है हमारा 19 इंच। गला है हमारा, गले की लेंथ है हमारी 4 इंच। और गले की चौड़ाई है हमारी 6 इंच। और स्लीव की लेंथ है 19 इंच। और मोरी है हमारी 4 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे। यह है हमारा कपड़ा, हम इसे फोर फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए फ्रेंड, एक बार फोल्ड, इसको एक बार फोल्ड और कर लेंगे हम। इसे सही से ठीक से बिछा लेंगे। यह हमारी किनारी वाली साइड की लंबाई मिलेंगे हम। इसको हम फोर फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोर फोल्ड में बिछा लिया है अपना कपड़ा। ये हमने अपना नाप लिख लिया है। अब नाप के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को कटिंग करना बताते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ है इसकी 34 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब हम तीरा लेंगे। तीरा है हमारा 6 इंच। 12 इंच, 12 का हाफ होता है 6 इंच। हम अपना गुड्डा लेंगे 6.5 इंच। इसको निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने यहां से कमर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये निशान सीधे कर लिए हैं। हमारा चेस्ट है 32 32 का हाफ करेंगे 16 16 का हाफ करेंगे 8 8 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। कमर है हमारी 28 इंच। हम इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 28 इंच हमारी कमर है। यह इस तरीके से हम हाफ करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, यहाँ से निशान लगा लेंगे। 28 का हाफ होता है, देखिए फ्रेंड, 7 इंच। 7 कम 7 7 2 14 7 21 7 28 7
और हमारे हिप है नाप के अकॉर्डिंग 34 इंच हिप है, 34 का हाफ होता है 17, देखिए फ्रेंड 17, एक 17 का हाफ हमने लगा दिया, देखिए 17 का हाफ हो गया 8.5। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे, चेस्ट वाले निशान को कमर से मिला देंगे और कमर वाले निशान को हम हिप से मिला देंगे। दामन है हमारा 19 इंच, 19 का आधा होता है 9.5। देखिए फ्रेंड 9.5। यहां से हम 9.5 लेंगे, यहां से भी 9.5 लेके हम इसको निशान सीधा कर लेंगे, यहां से हम निशान लगाएंगे। हम अपना इंसिडेंट यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। हमने निशान सीधा कर लिया है और एक एक इंच हम और लेंगे, यहां से 1 1 इंच और एक एक इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। आप चाहो तो 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच तक ले सकते हैं। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे, ये निशान सीधे कर लिए हैं। अब हम आई होल का शेप देंगे, यहां से हम लेंगे 1 1.5 इंच देखिए फ्रेंड। अब हम इसकी शेप दे देंगे, ये हमने अपने आर्म होल की शेप दे दी है, देखिए फ्रेंड। यहां से हम लेंगे इसका हाफ करेंगे इस तरीके से, हम यहां से इसको टच करेंगे, आप शेप हो गई इसकी। अब यहां से हम लेंगे 1 इंच और, अब इस निशान को हम यहाँ टच कर देंगे, ये हमारे फ्रंट पल्ले का निशान है। यहां से हम लेंगे 1 इंच इस निशान को हम यहाँ यहाँ टच कर देते हैं। अब हम अपने निशानों पे कटिंग करते हैं, ये कटिंग करेंगे हम और ये कटिंग करेंगे। फ्रेंड ये हम कटिंग करेंगे और ये सब कटिंग कर देंगे निशानों पर, मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। ये कटिंग कर ली है मैंने फ्रेंड, देख सकते हैं। अब हम इसमें से एक पीस निकाल देंगे, अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की, जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए थे। देखिए फ्रेंड हम ये कटिंग कर लेंगे, आप लोग बहुत आसानी से कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुर्ती बनाने में कभी भी। इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। ये हम अपना बैक साइड के बीच में गला कटिंग कर लेते हैं,
हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच लेंगे हम यहाँ से, और हम इसकी लेंथ रखेंगे 4 इंच, निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसका शेप दे लेंगे, यहां से फोल्ड का हम हाफ लेंगे 2, अब हम इसकी शेप दे लेंगे। ये मैंने इसकी शेप दे ली है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने नेक की कटिंग कर ली है, आगे वाले नेक की कटिंग हम बुकरम पे करेंगे, फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग मैं बता चुकी हूँ और नेक की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं बता देती हूँ फिर भी आप लोगों को, क्योंकि मैं डिटेल इसी तरह सिखा रही हूँ। यहाँ से मैं 3 इंच लूंगी इसकी चढ़ाई, यहाँ से भी मैं 3 इंच लूंगी इसकी चौड़ाई की। लंबाई हम लेंगे 5.5 इंच, निशान को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे, यहां से लेंगे 1/2 इंच, हमने लिया 3 इंच, और इसकी लंबाई हमने ली 5.5 इंच, यहां से भी 3 इंच है, और इसकी हम गोलाई कर देंगे। इसका हाफ लेके यहां से निशान लगाया हमने, ये हमने इसकी गोलाई कर दी है। और 1/2 इंच और लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, नेक की कटिंग कर ली है हमने, अब हम अपनी सीरीज की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, हमारी सीरीज की लेंथ है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। यहां से हम लगाएंगे सीरीज का निशान 3 इंच पे, यहां से हम लेंगे 1 इंच का निशान। अब हम इन निशानों को शेप दे देंगे, हमने शेप दे दिया है। फ्रंट बैक आर्म होल का, फ्रंट आर्म होल का शेप देते हैं। ये हमने अपनी सीरीज का शेप दे दिया है। अब हम मोरी लेंगे, आस्तीन की 4 इंच है,
एक इंच हम मार्जिन के रखेंगे। शेप पट्टी से हम इसको यहाँ पे टच कर देंगे। हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग कर ली है, अब हम अपने स्लीव को खोल लेते हैं। अब हम इसकी शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होगा, मैंने शेप दे दिया है। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम बैक आर्म होल के लिए पट्टी निकालेंगे, ये हम कट कर लेंगे। कट कर दिया है। अब हम यहां से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच का निशान लगाते हुए फ्रेंड्स यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक के लिए ये पट्टी फोल्ड करेंगे, इस पे 2 स्टिच लगाएंगे। फ्रेंड देखिए 2 स्टिच लगा लेंगे पूरी पट्टी पे। हमने पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब हम बैक नेक में अटैच कर देंगे ये पट्टी। ये वहां नेक है जो हमने कट करा था। ये हमारा सीधा पीस है। अब हम इस पट्टी को नेक पे लगा अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स पट्टी को हम लगाएंगे और यहां से हम पूरी सिलाई लगा देंगे, पूरी नेक पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है पूरी नेक पर। देखिए फ्रेंड्स अब हम फ्रंट नेक बनाएंगे। ये हम अपना नेक कपड़े पर लगा लेते हैं। ये देखिए 6 इंच पे यहाँ से रखते हैं। हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पे। ये देखिए फ्रेंड मैंने अपना गला सिल लिया है, स्टिच कर लिया है कपड़े पर। हम अपने कपड़े पे गला रख लेते हैं। ये हमारी सीधी साइड है कपड़े की। देखिए फ्रेंड अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बुकरम भी नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने ये लगा लिया, यहाँ पे सिलाई लगा दी है और मैंने ये कटिंग भी कर दी है। यहाँ पे मैंने कटिंग लगा दी है, नोचेस लगा दी है, सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हम फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये भी हमारी सीधी साइड है। अब हम कंधे की सिलाई लगा देंगे। ये सीधी साइड है फ्रेंड, ये भी सीधी साइड है। अब हम कंधे में सिलाई लगा देंगे। हमने इसके कंधे स्टिच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हम फ्रंट की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड की। ये मैंने साइडों की सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव लगाएंगे इसमें। ये हम स्लीव की मोरी फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड को 1 इंच की। इस पे हम तुरपाई कर देंगे।
यहां से हम इसको रखेंगे। हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लें, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सीरीज में हम अपनी सीरीज तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, मैंने अपनी सीरीज को सीधा कर लिया है। अब हम इसको कुर्ती में लगाते हैं सीरीज को। देखिए फ्रेंड, ये मैंने जम्पर उल्टा कर लिया, मेरी सीरीज सीधी है। यहाँ से मैंने बीच का कट लगा दिया है सिलिस में। अब हम इसको जंपर में सिलिस को डालेंगे। देखिए सिलिस तो निकली आई है हमारी, और ये हमारा कंधा है। अब हम यहाँ से लगाएंगे इसको। अब हम इसकी पूरी राउंड पे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। सिलीज लगाने के बाद हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। मैं आप लोगों को इसका लास्ट लुक भी दिखा दूंगी, हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। हमारे चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने में प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।